चलिए देखिएगा ध्यान से, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सरल हैं, स्टेप को फॉलो करना है और सवाल हो जाता है। यदि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है, एक में बदल जाता है, भिन्न एक में बदल जाता है। किसमें बदल गया? एक में बदल जाता है, यानी कि एक के बराबर हो जाता है, एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाता है, तो यह एक बटे दो हो जाती है, हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न ज्ञात करो। देखिएगा भैया, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। यदि अंश में एक जोड़ दें तो सबसे पहले तो भिन्न मानना पड़ेगा। माना भिन्न, भिन्न किस फॉर्म में होता है? भिन्न किस फॉर्म में होता है? अंश बटे हर, एक्स बटे वाई। माना भिन्न एक्स बटे वाई है, और अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दें तो हर में से एक घटा दो, तो भिन्न क्या हो गया? एक हो गया, भिन्न एक के बराबर हो गया। अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, भिन्न एक के बराबर हो गया, एक बटे एक। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पे एक का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो x धन एक, और इसमें करेंगे तो y ऋण एक, तो x और y एक तरफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x, ये y उठ के इधर आएगा तो ऋण का y और ऋण का एक, ये एक धन का उधर गया ऋण का एक, तो ऋण का एक, ऋण का एक कितना हो जाएगा भैया? ऋण का दो। ऋण का एक, ऋण का एक कितना हो जाएगा? ऋण का दो। ऋण का दो है ना, यस। तो ये हो गया भैया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक्स माइनस वाई बराबर ऋण का दो, एक्स माइनस वाई बराबर कितना? ऋण के दो। समीकरण बन गई एक, ये समीकरण एक बन के तैयार हो गए। अब वो क्या कहता है कि केवल हर में एक जोड़ दो, ऊपर कुछ नहीं करना, अंश में कुछ नहीं करना। सर, वो मैसेज आ रहा है। हर में, हाँ, हर में केवल एक जोड़ दिया जाए, हर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो हर में केवल एक जोड़ना है, तो भिन्न क्या हो गई? एक बटे दो हो जाती है। देखो बहुत सिंपल, केवल हर में एक जोड़ना है, ये जो हर नीचे है इसमें एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक बटे दो के बराबर हो जाती है, तो ये हो गया आपका दो एक्स बराबर वाई धन एक। अब ये देखिएगा, वाई उठ के इधर आएगा तो क्या का धन का होगा कि माइनस का होगा? बोले माइनस का होगा। ये समीकरण कौन सी बन गई? अब समीकरण एक और दो को कौन सी विधि से हल करेंगे? समीकरण एक और दो को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। ये देखो आप, समीकरण एक और समीकरण दो को विलोपन विधि से करेंगे तो भैया घटाने पर, यहां लिख देंगे घटाने पर, चिन्ह बदलते हैं अपन, घटाने पर तो ये ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण का वाई धन का वाई हो गया और ऋण का एक हो गया, तो धन का वाई ऋण का वाई, ऋण के दो एक्स धन का एक एक, ऋण के दो एक्स धन का एक एक्स, तो ऋण का एक एक्स, ऋण का एक, ऋण का दो, ऋण का एक, ऋण का दो, ऋण का तीन, ऋण से ऋण गया तो एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर कितना आया? बोलो, एक्स बराबर तीन।
एक्स का मान दो में रखो या एक में रखो, आपकी इच्छा हो जहां रखिए आप। एक्स का मान तो समीकरण एक में रखने पर है ना, लिखो यहां एक्स का मान किसमें रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर। एक्स का मान समीकरण एक में, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर एक क्या कहती है, और एक्स तीन माइनस वाई बराबर ऋण के दो, माइनस वाई बराबर ऋण के दो, ये तीन उधर जाएंगे तो ऋण के तीन हो गए, तो ये हो गए माइनस के पांच, और माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आया, y बराबर आया पांच और x बराबर आया तीन, इसलिए लिखेंगे अभीष्ट भिन्न। हमने क्या मानी थी, क्या मानी थी बेटा, x बटे y मानी थी, तो और x कितना आ जाएगा, तीन बटे पांच। दिस इज आंसर। कठिन के सरल सर, इसके पीछे प्रतिस्थापन विधि समझा दो आप, तो ये तो आप ये तो आती के? हाँ सर। उसके पीछे? हाँ सर, वो के इन्हीं सवालों को प्रतिस्थापन विधि से कर दें? हाँ सर, इनको ये नूरी वाला कर दे, नूरी पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना। चलो अगला सवाल जो है ये दिए ना, अगला वाला अपन प्रतिस्थापन से करेंगे है ना, के विलोपन से करें, किसी से करें? बोलो नहीं, तुमको किस, तुम्हारे सर ने क्या से बोला सर, ये तो विलोपन की है और प्रतिस्थापन की उधर पीछे ना, सर ने तो बोला था प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन से करना है हाँ सर, यही है प्रतिस्थापन, ये वाले हाँ सर, ये प्रतिस्थापन, ये सवाल हाँ ये प्रतिस्थापन है, चलो ये करा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा बहुत प्यारे सवाल है और बहुत अच्छे सवाल है, बेटा तुम बातें मत करो, पढ़ाई करो है ना, बैठना ना सर, नहीं बैठना नहीं, पढ़ना है ना, क्योंकि तुमने अब तुम्हारा भी तो पढ़ाई का टाइम बैठा है, ऐसे तुम कम से कम यहाँ तो रेमासी यहाँ तो पढ़ सकते हैं ना अपन, पांच वर्ष बाद देखो, पांच वर्ष बाद जेकब, बहुत सरल सवाल है बेटा ये, और हेलो ये बता दूं मैं, ये जब तुम परीक्षाएं दोगे ना रेलवे की बैंक की है ना, तो ये आएंगे सवाल, यही सवाल आते हैं बेटा उनमें, पिता पुत्र के पांच वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से तीन गुनी, जेकब की आयु पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी पांच वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु, पांच वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी, सात गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, उनकी वर्तमान आयु
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो भैया उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना, और बहुत सरल भी है। देखो अच्छा भी है और सरल भी है, ठीक है। इसे हम बड़ी सहजता और सरलता से आपको बताएंगे। देखिएगा 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब पुत्र छोटा है, पिता बड़ा है, तो माना कि पुत्र की आयु, यहां लिखेंगे माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु x, पुत्र की आयु उतनी पिता की मानो, चलो यार पिता से चलो यार, क्योंकि दो चर लेना हमें। मैं दो तरीके से बताऊंगा ये सवाल आपको, ये सवाल मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका तो वो जो तुमको बताना ही है मुझे, दो चर विधि। एक तरीका है दो चर विधि का और एक तरीका है एक चर विधि का, है ना। माना पिता की आयु, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु x वर्ष, पिता को क्या माना मैंने x, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष, पुत्र को क्या मान लिया y मान, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न जैसा बोलता है ऐसा हम करते जाएंगे। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो अभी पिता कितने का है, एक्स वर्ष, एक्स का, अभी एक्स का है। जैसे अभी तुम कितने साल के हो, 14, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 19। क्या करा इसके लिए तुमने, जोड़ा। तो अभी पिता कितने का है, एक्स, तो 5 साल बाद कितने का, 5 जुड़ेंगे, है ना। तो 5 साल बाद तो 5 जुड़ जाएंगे, 5 जुड़ गए, 5 जुड़ गए ना, क्योंकि बाद में जुड़ता है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता कितने का हो गया, एक्स धन 5 का। पुत्र कितने का है, वाई का, तो 5 साल बाद पुत्र कितने का होगा, मान लो आज पुत्र 10 साल का है, तो 5 साल बाद 15, तो 10 5 जुड़ गए। तो ये कहता है कि 5 वर्ष बाद पिता यानी जेकब, पुत्र 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी कि पुत्र अगर 10 का है, पुत्र 10 का है, तो पिता कितने का होगा, 30 का, 30 किसा है, 10 में 3 का गुणा करा, तो 10 कौन था, पुत्र, तो पुत्र में कितने का गुणा करा, 3 का, तो ये पुत्र है, वाय पुत्र है, और उसमें 3 का गुणा कर दिया ना, 3 का गुणा कर दिया। अब ये पिता पुत्र का 3 गुना, 5 वर्ष बाद पिता पुत्र का 3 गुना, ठीक है, ओके। अब इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। क्या है बोलो, x धन 5 बराबर 3 का गुणा करो, 3 बाय, फिर 3 का गुणा करो, तीनों पंचे पंद्रह, x के पास में y उठ के आ गया तो ऋण का हो गया, धन का है ना ये, उठ के उधर गया ऋण का हो गया, ये धन का 5 उधर गया तो ऋण का 5 हो गया, x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 10। समीकरण क्या बन गई, 1। अब वो क्या कहता है कि भैया अगली स्टेप पढ़ो तो बेटा क्या है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखो भैया कितने वर्ष पहले की बात कर रहा वो, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, पुनः प्रश्नानुसार है, लो पुनः प्रश्नानुसार वो क्या कहता है
कि पिता जेकब कितने का है? एक्स का, जेकब कितने का है? एक्स का। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, मान लो एक्स एक्स तीस है, मान लो कि एक्स कितना है, तीस है। तो भैया पांच वर्ष पहले पूर्व, तो पूर्व अभी मान लो तीस का है, तो पांच साल पहले कितने का था? पच्चीस। कैसे आया पच्चीस? घटा दिया, घटाया। तो भैया पिता एक्स है, जेकब है ये, अब जेकब पांच वर्ष पहले, तो इसमें से पांच कम कर देंगे। पुत्र वाय है, उसमें से भी पांच कम कर देंगे। तो वो कहता है कि पांच वर्ष पहले, पांच वर्ष पूर्व जेकब पुत्र का सात गुना था। जेकब की आयु पुत्र की आयु की सात गुनी थी। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज सेवन वाई माइनस सातों पंजे पैंतीस। अब ये हो गया आपका एक्स माइनस सात वाई, उठ के इधर आएंगे तो ऋण के सात वाई और ऋण के पैंतीस इधर हैं, ये धन ऋण के पांच उधर गए, धन के पांच हो गए। तो भैया क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा? देखो ऋण के कितने हैं? पैंतीस, धन के पांच, तो ऋण के पैंतीस, धन के पांच, ऋण के पैंतीस है, ऋण के पैंतीस में से पांच गए तो सिर्फ तीस ही बचेंगे। हाँ, तीस लिख दो। सही लिखा मैंने? सही लिखा क्या? हेलो, सही है? सही है क्या? ऋण के लगाना पड़ेंगे। हाँ तो सर, ऋण ही तो बोला था। मैं यही तो पूछ रहा, तो बोलो ना। तुम सर ये बोला ऋण के पैंतीस। चलो समीकरण दो है ना बेटा आलोक, समीकरण एक और दो सही बनी अपनी? हेलो आलोक बेटा। हाँ सर, समीकरण एक और दो अपनी सही है क्या? समीकरण एक, हाँ सही है ना। अब अपन बेटा इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे है ना। तो देखिएगा आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे किया जाता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार सवाल होने वाला है। ये देखो आप किस तरीके से इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूं, देखिएगा आप। लिखो समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक लिख लो, लिख ली ना। फिर क्या होगा, एक से क्या करेंगे, ये तीन ऋण के कितने हैं, ऋण के तीन वाय, उठ के उधर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे ना, ये बन गई समीकरण तीन। अब एक्स का मान जो तीन में, समीकरण तीन से, समीकरण तीन से एक्स का मान दो में रखेंगे, तो समीकरण तीन से, समीकरण तीन से एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, दो क्या कहती है भैया, ये दो एक्स माइनस सात वाई, एक्स माइनस, तो एक्स की जगह कौन बैठेगा, एक्स की जगह ये बैठेगा तीन वाई धन के दस, फिर ऋण का सात वाई, फिर बराबर में ऋण का कितना, ऋण का तीस। ठीक है, तो ये ऋण के कितने, सात वाय, धन के तीन वाय, ऋण के सात वाय, धन के तीन वाय, तो ऋण के चार वाय। तो ऋण के चार वाय, ये धन के उधर दस, ये धन के दस उधर जाएंगे तो ऋण के दस, धन के दस उधर गए तो ऋण के दस हो गए, तो ऋण के तीस, ऋण के दस, ऋण के तीस, ऋण के दस कितने हो गए भैया, ऋण के चालीस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भैया ये हो गए आपके ऋण के चार वाय बराबर ऋण के चालीस, ऋण से ऋण खत्म, तो वाय बराबर चालीस बटे चार, और चार धाम चालीस, तो वाय बराबर कितना हो गया भैया, वाय बराबर कितना हो गया, वाय बराबर दस। तो वाय का मान आया दस। अब y का मान हम कहा रखेंगे, समीकरण दो में y का मान जो आया है इसे हम
समीकरण तीन में रखेंगे। किस में रखेंगे? तीन। बोलो तो तीन क्या थी भैया? समीकरण तीन बनी थी ना? बोलो तो बेटा। x बराबर 3y प्लस 10। y का मान समीकरण तीन में, x बराबर क्या था? 3y धन 10 है ना? 3y धन 10, तो 3 y कितना? 10 धन 10 कितना हो गया बेटा? बोलो तो 40। 30 धन 10 बोले तो कितना? x बराबर 40। भैया जेकब कितने का है? जेकब 40 का है। जेकब कितने का है? 40 वर्ष का है। जेकब का आयु 40 वर्ष है भाई। जेकब का आयु कितना है? 40 वर्ष। जेकब इज अ 40 इयर्स एंड उसका पुत्र कितने का है? 10 इयर्स। पुत्र है 10 इयर्स, 10 वर्ष का। अब देखो भैया आलोक, ये सवाल मैंने आपको दो चर विधि से करा, दो चर विधि से करके दिखाया ना, तो आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि या ग्राफ विधि है ना, ये विधियां इस्तेमाल करना पड़ती। मगर इसको अगर एक चर विधि से करते तो कैसे करते? देखो इसी सवाल को देखो, मैं कितना छोटा करता हूं। माना, लिखो, माना पुत्र की आयु एक्स वर्ष। पुत्र कितने का है? पुत्र कितने का है? एक्स वर्ष का है ना। अब प्रश्न क्या है आपका कि भैया पुत्र एक्स वर्ष का है और प्रश्न है हमारे पास कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद लिखो यार, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा बताओ? देखो पुत्र अभी कितने का है? X। X का पुत्र, X कुछ भी हो सकता है, 15 मान लो कि 15 का है या 20 मान लो, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 25 का। 20 मानेंगे तो जुड़ेंगे ना, तो इसमें 5 जुड़ गए, जुड़ गए। 5 वर्ष बाद क्या है ये? 5 वर्ष बाद क्या है? पुत्र की आयु, किसकी आयु हुई है? 5 वर्ष बाद पुत्र की क्या है? आयु है, पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद, कितनी? इतनी। अब भैया वो क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी। तो यहां लिखेंगे इसलिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, किसकी आयु? जेकब की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? जेकब की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी, पुत्र की आयु की तिगुनी, 3 का गुणा कर दो पुत्र में। ये जेकब है भैया, ठीक है। अब वो कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखो चूंकि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पूर्व में क्या करते हैं? घटाते हैं, तो ये घटा दिया, कम कर दिया। अब लिखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 7 गुनी, कितनी गुनी हो जाएगी? इसकी 7 गुनी हो गई। तो आज हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है,
आज हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो मैंने मिस्टेक कर दी इसमें, मालूम तुम मिस्टेक हो गई है मेरे से। अब वो मिस्टेक मैं करूँगा बाद में, सही। फिलहाल तो अभी हम यही ख़त्म करते हैं, क्लास को कल करेंगे इसकी बाकी की स्टेप। मेरे को मालूम पड़ गया ना कहाँ गलती हुई है ना, और हम गलती कल सुधारेंगे, क्योंकि